इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर 15 फरवरी को शुरू हुआ। मैच का पहला दिन कप्तान रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और अपना डेब्यू टेस्ट मैच खेल रहे सरफराज खान के नाम रहा। रोहित शर्मा 131 रन बनाकर आउट हुए, वहीं रविंद्र जडेजा शतक लगाकर नॉट आउट लौटे। वहीं सरफराज खान तेज तरार 62 रनों की पारी खेली और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रन आउट होकर पवेलियन लौटे। टीम इंडिया ने 33 रनों तक 3 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद रविंद्र जडेजा को बैटिंग ऑर्डर में 5वें नंबर पर भेजा गया। जडेजा ने यह फैसला गलत साबित नहीं होने दिया और सदा ठोका। जडेजा अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे थे और इस मैदान पर उनका रिकॉर्ड ऐसा है जो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच और क्रिकेटर रवि शास्त्री ने कमेंट्री के दौरान जब जडेजा की तारीफ की तो इसमें सर डॉन ब्रैडमैन का भी जिक्र किया गया। चलिए जानते हैं ऐसा क्या खास कनेक्शन है दोनों का। मैच के पहले दिन रविंद्र जडेजा अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और आखिरी सेशन का खेल चल रहा था, तब जडेजा के बैटिंग रिकॉर्ड स्क्रीन पर दिखाए गए। रवि शास्त्री उस समय कमेंट्री कर रहे थे और उन्होंने कहा, औसत पर जरा नजर दौड़ाई। रविंद्र जडेजा का यह औसत सर डॉन ब्रैडमैन भी ऊपर से देख रहे होंगे। इस मैदान पर रविंद्र जडेजा ने कुल 17 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं और इस दौरान उनका औसत 135 का रहा। रविंद्र जडेजा के लिए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉल ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक बार फिर रविंद्र जडेजा साबित कर रहे हैं कि क्यों वह मौजूदा समय में दुनिया के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर है। जडेजा 112 रन बनाकर जो रूट की गेंद पर कांट एंड बोल्ड हुए। इस पारी के दौरान रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 3000 रनों का आंकड़ा भी पार कर लिया। एनपी टाइम्स की रिपोर्ट।